नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रीजन फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म. इकोनॉमिक रिफॉर्म करने के रीजन क्या थे, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाने के रीजन क्या थे. तो चैप्टर नंबर 3 इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट से न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाने के रीजन क्या थे, इसके लिए हमारा फॉर्मूला है हाई फाई डीपी. तो हाई फाई डीपी ये हमारा आंसर है. आंसर का फॉर्मूला है हाई फाई डीपी. डीपी लगा देना व्हाट्सएप वगैरह में, तो हाई फाई डीपी बहुत अच्छी हाई फाई डीपी लगा रखी है. तो एच फॉर है हमारा ह्यूज बर्डन ऑफ डेब्ट. काफी ज्यादा कर्जा हो चुका था न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इसलिए लाना पड़ी. फिर आई फॉर इन्फ्लेशनरी प्रेशर, बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ चुकी थी इसलिए न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाना पड़ी. फिर एफ, एफ फॉर फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व. फॉरेन एक्सचेंज का जो फॉरेन करेंसी जो है उसका रिजर्व हमारे पास कम हो गया था इसलिए न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाना पड़ी. ठीक. फिर है आई, आई फॉर इनएफिशिएंट मैनेजमेंट. इनएफिशिएंट मैनेजमेंट, इतना एफिशिएंट मैनेजमेंट नहीं था गवर्नमेंट का कि जो वो है टैक्स वगैरह वसूल पाए और रिवेन्यू जनरेट कर पाए, पब्लिक एंटरप्राइजेस को व्यवस्थित तरीके से चला पाए और रिवेन्यू जनरेट कर पाए, ऐसा नहीं हो पा रहा था इसलिए न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाना पड़ी. फिर है डी, डी फॉर डिफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट, यानी कि खर्चे ज़्यादा थे और रिसिप्ट जो है कम, खर्चे ज़्यादा और रिवेन्यू जो है वो कम, तो इसलिए न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाना पड़ी. पी, पी फॉर पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर. पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर, जो पब्लिक सेक्टर है जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है एंटरप्राइजेस है वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही थी, तो इस वजह से जो है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाना पड़ी. ठीक. तो रीजन बिहाइंड न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म आइज हाई फाई डीपी, ह्यूज बर्डन ऑफ डेब्ट, इन्फ्लेशनरी प्रेशर, फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, इनएफिशिएंट मैनेजमेंट, डिफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर. ठीक.